जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जब फाइनल मेट आएगी उसके बाद में, मेरे को कई लड़के बोल रहे हैं कि सर फाइनल मेट में लिस्ट में जब नाम ना जाएगा उसके बाद में क्या करना है। उसके बाद में पहला जो काम करना हो तो करना है डांस, अच्छे से गाना वाने लगा के सपना चौधरी वाले, और अच्छे से डांस करना दबा के, क्योंकि 3 साल की आपकी जो खुशी है वो बाहर आएगी। उसके बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कि आज के इस वीडियो में कि क्या क्या आपको ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए उसके बाद में क्या क्या करना है दोस्तों। साथ ही बता दूं जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिस पे अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता तो आपके छोटे भाइयों के लिए, उस पर मैं तो रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसको शेयर करें। और जिन लोगों ने उस पर जाके वीडियो नहीं देखा है, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर उस पर जाके सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे ही आपका फाइनल मेट में नाम आ जाता है तो सबसे पहले क्या करना है और क्या क्या काम आपको फाइनल मेट लिस्ट के आने के बाद में करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या काम करना है वो तो आप सभी को पता है। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूने कि उनकी मेहनत की वजह से उन्होंने कितना परिश्रम पाया है आपको इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए, आपको एक सफल बनाने के लिए, आपको फौजी बनाने के लिए। तो सबसे पहला उनको धन्यवाद देना, उनके पैर छूना और बधाई देना उनको। सबसे पहली विदाई अपनी माता या पिता को ही देना मेरे ख्याल से। सबसे पहली जब आपको पता चल जाए आपका लिस्ट में नाम आ जाए, सबसे पहली आप बधाई अपने माता पिता को दें, या जो भी आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अहम किरदार निभाया उस इंसान को दें जिसका आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ये करना है दोस्तों कि आपका किस डिपार्टमेंट में आया है, जिस डिपार्टमेंट में, उसमें फाइनल मेट की जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम, रोल नंबर और वो डिपार्टमेंट। उसके बाद में ये करना है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना और फेसबुक पे पोस्ट लगाना, ताकि आपके जितने भी चाहने वाले उन सभी को पता चल जाए कि भाई हमारा बंदा फौजी बन गया है। और जो आपको नहीं चाहने वाले, जिनकी जलन लगनी है, उनके जलन भी लगना शुरू हो जाए। कुछ लोगों के जो हेटर्स होते हैं, जो बोलते थे कि ये फौजी नहीं बन पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या फौजी बनेगा, इसके तो ये कमी, इसके ये कमी, ये पढ़ाई नहीं करता, तो उनको भी पता चल जाए कि भाई बंदा फौजी बन गया है। तो दो काम तो ये हो गए। अब बात करते हैं सीरियस टॉपिक पे कि इसके बाद में आपको काम क्या करें। दोस्तों मैं पहले से ही बताता जा रहा हूँ कि माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर में। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें माता पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि उनके जो नाम में जो मिस्टेक है उनमें अगर आधार कार्ड में उनका नाम आप सही करा सकते हो तो ज़रूर सही करा लेना। लेकिन अगर आधार कार्ड में नाम सही कराने की वजह से अगर उनके अकाउंट्स में या उनके काम में अगर कोई फ़र्क आए, उनके काम में कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर ऐसा नहीं करना। मान लो आपके पिताजी कोई गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट कंपनी में, या उनके अकाउंट में उनका जो नाम चल रहा है उसको चेंज कराना पड़े, तो इस कंडीशन में आपको नाम चेंज नहीं कराना। लेकिन अगर वो कर्शियर है, खेती वाले इंसान है या किसान आदमी है, तो आपने माता पिता की जो नाम है आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही करवा लें। तो इससे क्या होगा, बेटर रहेगा। आपके जब नॉमिनी भरे जाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर याद रखना, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर याद रखना, वहाँ फॉर्म भरते समय उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एज पूछी जाएगी। तो वो आपको, हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे माता पिता की हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, केवल ईयर पता है, तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको ईयर पता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले काम ये करना कि आपको सबसे पहले उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है माता पिता के, उन डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार जो मैच खा रहा है उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उसको आपके पास में उसकी फोटोकॉपी रख लेना। फिर इसके बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, आपके डॉक्यूमेंट्स में बता दूं कि मूल निवास हो गया, उसके बाद में आपके जो जाति प्रमाण पत्र है सेंटर का, अगर एक्सपायर हो गया डेट आप नया बना सकते हो तो नया बनवा लेना, और अगर पुराना वाला है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप नया बनाना चाहोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो नया बनाना ही सबसे बेटर रहता है, तो वो चेक कर लेना है। इसके अलावा आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट ओरिजिनल वो ज़रूर लगेगी। अब कुछ लोग बोले सर हमारे पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, हमारी मार्कशीट खो गई थी, हमने बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट निकाली है, तो क्या हम वो जमा करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। तो ये काम करना है, यानी आपकी मार्कशीट वो रखनी है, 12th या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है उसकी मार्कशीट, मैंने बोला कि आपकी इच्छा हो तो जमा कराना, नहीं तो नहीं कराना। तो आई थिंक डिप्लोमा विप्लोमा अगर आपने कोई किया है तो उसको जमा ना ही कराना, क्योंकि उससे आप यहाँ डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में अगर उस डिप्लोमा से आप कोई दूसरी जॉब, यानी इससे हाई रैंक में अगर कोई जॉब देखना चाहो तो उसके लिए वो बेटर रहेगा, आपका डिप्लोमा वहाँ ओरिजिनल रहेगा। अगर एक बार आप डिपार्टमेंट में जमा करा दोगे तो कम से कम 2 साल तक आपको ओरिजिनल मार्कशीटें नहीं मिलेगी, तो उस दौरान अगर आप कोई भर्ती देखोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा जमा कराने नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप 10th क्लास पास से लग रहे हो तो 10th क्लास की मार्कशीट सफिशिएंट है।
ठीक है। उसके बाद में यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कर लें, जितने भी आपके जो ज़रूरी कागजात हैं उनको एक जगह कर लें, माता पिता के जो डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं उनकी जो फोटोकॉपीज आपको लगनी है वो फोटोकॉपी जरूर ले लें, जैसे उनकी जो भी आईडी कार्ड है उनका, आधार कार्ड हो गया या उनके पैन कार्ड है, लगेगी नहीं उनके पैन कार्ड की लेकिन हाँ आधार कार्ड उनकी एक फोटोकॉपी आधार कार्ड की ले लेना या परिचय पत्र की उनकी फोटोकॉपी ले लेना, या आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके भी एक 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 ले लेना, क्योंकि आपको वहाँ नॉमिनी भराए जाएंगे, आप पे डिपेंडेंट भराए जाएंगे तो वहाँ पर उनके जन्म डेटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपने परिवार की पूरी जो आप पे डिपेंड कर सकते हैं या आपके माता पिता, तो उनकी मतलब जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी ज़रूर एक जगह रख लें कोई भी, ताकि आपको फिर कागज़ कार्रवाई के लिए वहाँ गुड़गांव से फिर किसी को और परेशान करके फिर कागज़ मंगाओ, व्हाट्सएप पे मंगाओ, ईमेल मंगाओ तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद में फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करना है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आए। इस दौरान आपको मैं बोल देता हूँ कि आपको थोड़ा सा चोट से बच के रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने सावधान रखनी है, अगर बाइक वाइक चलाते हो बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाना, पूरा सावधानी से ध्यान रखना, अच्छे से काम करना है और माता पिता आपके खुश हो जाएंगे और सभी को परिवार में मिठाई उठाई ज़रूर खिला देना क्योंकि आपके लिए खुशी का दिन है। तो ये काम भी साथ में ज़रूर करना कि सभी को मिठाई उठाई खिला देना, चाहने वाले अच्छे से खिला देंगे, सभी का आशीर्वाद लेना कि हाँ अब मैं ज्वाइन करने वाला हूँ फौज को। तो दोस्तों ये काम आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा मैं बता दिया कि आपको कागज़ कार्रवाई आपकी कंप्लीट करनी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेना। हाँ अब जो मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी, फादर नेम में ये मिस्टेक हो गई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि सर हमारा रिजेक्शन लेटर आ सकता है, सर हमारा डेट ऑफ बर्थ ऐसे गलत कर दी थी या मैंने एफिडेट लगा दिया था, हम मेल मैच नहीं खाए थे, फिर मैंने वहाँ पर 70 पेज का एक वो फॉर्म भरा था। तो जिनके जो होना था वो हो गया, अब केवल फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है। तो आप ये टेंशन फालतू के जो दिमाग में टेंशन है इनको हटा दीजिए, अब केवल फोकस है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का और उसके लिए चिंतित ना हो, जिनका आना है उनका आएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल मेरिट का इंतज़ार करना है अच्छे से और लिस्ट में नाम आने के बाद में ये काम ज़रूर करने हैं दोस्तों। इसके बाद में जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन ज्वाइनिंग लेटर आए उस दिन फिर से अपने माता पिता के पैर छूना और ज्वाइनिंग करने आ जाना। जब भी घर से निकलो अपने माता पिता के पैर छूके बड़ों का आशीर्वाद लेके ज़रूर निकलना, ताकि आपके आगे की जो जीवन है वो अच्छा रहे, खुशमय रहे। और ट्रेनिंग के दौरान हर सुबह जब भी आप घर से, मुझे पता है कुछ लोग पहली बार दूर होने वाले हैं, तो ज़रूर हमेशा हर सुबह अपने माता पिता को याद करना, उनके पैर छूना उठते ही, तो आपके सारे काम बन जाएंगे दोस्तों। तो कोई घबराने की बात नहीं है और मस्त रहो, फिर इंतज़ार करना है केवल ज्वाइनिंग लेटर का और फिर ज्वाइनिंग डेट का दोस्तों, उसके बाद में आप फौजी बन जाओगे, फिर आपका हम यहाँ पर स्वागत ज़रूर कर लेंगे दोस्तों।